अभी तक हमने डिस्कस करी रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, उसका ऑर्डर वन होगा, मतलब n इक्वल टू वन जब n ऑर्डर होता है, तो उसको कोई भी रिएक्शन ले लो वैसे ही कि a गिव्स b, इसमें ऑर्डर कितना है वन, तो इसकी रेट लॉ कुछ इस टाइप की होगी, रेट इज इक्वल्स टू k जो कि रेट कांस्टेंट है इनटू जो उसकी कंसंट्रेशन है a उसकी पावर वन, क्योंकि इसका ऑर्डर वन है। और ये पहली चीज हुई, दूसरी चीज वही कि रेट इज इक्वल्स टू माइनस क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये हो गई दूसरी चीज। फिर वही सब सेम है, इस सब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे कि के इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब इसको वही इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, के ए वाली टर्म्स को दोनों को एक साइड ले आते हैं, टी वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, तो इसको ऐसे रखते हैं के डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, के डी टी, के को बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो बस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टी की इनिशियल वैल्यू वही टाइम इक्वल टू जीरो टाइम इक्वल टू टी, फाइनली क्या होगा माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए की वैल्यू इनिशियली ए नॉट और फाइनल वैल्यू ए टी, ये हो जाएगा डी ए बाय ए। अब इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी के इंटू टी, इसकी रीडिंग इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग क्या थी जीरो और टी, तो इसकी इनिशियल और फाइनल लिमिट हो गई जीरो टू टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ए बाय ए की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग ए, ये हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन तो हट जाएगी तो ये हो जाएगा लॉग ए। ये नोट करना जरूरी है कि जो ए है लॉग ए है ये नेचुरल लॉग है, लॉग ई भी लिख सकते हो आप इसको, और इसकी वही लिमिट्स क्या है ए नॉट से लेकर ए टी तक, ए नॉट टू ए टी, ये हो जाएगा के इंटू वही टी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग, फाइनल वैल्यू क्या है इसकी ए टी, यहाँ पे डालेंगे ए टी माइनस इनिशियल वैल्यू ए नॉट, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट, ये ऐसा कैसा के टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है लॉग ऑफ ए बाई बी होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे रह जाएगा ये लॉग ऑफ ए टी माइनस ए नॉट। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम कहते हैं कि लॉग एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन लॉग एक्स, तो इसमें ऐसे माइनस वन अगर एन है तो माइनस वन को ऊपर ले आ सकता हूँ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे के टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इनका रेसिप्रोकल कर दो यहाँ से माइनस गायब कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, दिस इज माई रेट लॉ। इसको और सिंप्लीफाई करना है, यूजेबल फॉर्म में लाना है, के टी को ऐसा कैसे रहने दो, इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर देते हैं टू द लॉग ऑफ बेस 10, 2.303, ये कन्वर्जन है इसकी लॉग 10, यहाँ पे वही सेम रहेगा ए नॉट बाय ए टी, ये है मेरी यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉग। इंटीग्रेटेड रेट लॉग क्या होती है, के इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10 ऑफ ए नॉट बाय ए टी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ आती है। अब जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक ग्राफ बनाया था ए की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग टी इक्वल टू जीरो के लिए इनिशियली, मतलब टी इक्वल टू जीरो के लिए ए टी कितना होगा, वो तो ए जीरो ए नॉट ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट बाय
ए नॉट है तो ये जीरो हो जाएगा, लॉग वन इज जीरो। तो इसकी ये ग्राफ कुछ इनिशियली ऐसा होगा, मतलब उसकी इनिशियली कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकती है, इनिशियली इसकी कोई कंसंट्रेशन होगी और एक्सपोनेंशियली फॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ आती है, अगर ए टी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली निकालनी हो तो, कि ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ले आके ई की पावर कर देते हैं इसकी, या फिर 10 इसको हटाएंगे ना, फिर यहाँ पे मैं डिटेल में समझाता हूँ इसको, कि के टी इज इक्वल्स टू लॉग, अगर नेचुरल लॉग ही था तो कितना आएगा ये ए नॉट बाय ए टी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए टी निकालना है हमें, बेसिकली हमें ए टी निकालना है इन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको हम लिखेंगे के टी इज इक्वल्स टू, ये लॉग है तो इसको अगर हम एंटी लॉग ले लें दोनों साइड तो ये ई की पावर हो जाएगी, तो मतलब ई की पावर के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय ए टी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए टी ऊपर गया तो ये नीचे आएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। मतलब अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज फॉलिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली कम होती जा रही है। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, अब ग्राफ बनाने के लिए हम इस लॉ का यूज़ करेंगे, ऑल दो ये लॉ और ये लॉ सेम है लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ग्राफ बनाने के लिए क्लियरली ये वाली लॉ ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इसमें क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू जीरो, उसमें कंसंट्रेशन क्या होगी ए नॉट, तो इसकी कहीं कंसंट्रेशन अगर हम ले लें यहाँ पे ए नॉट, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी, एंड टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब कोई इन्फिनिटी टाइम पे ये कहीं जीरो होगी। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि एक्सपोनेंशियली फॉल करते हुए ये यहाँ पे ये एजिम्प्टोट बन जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस एजिम्प्टोट एस की। तो ये हो गई इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ग्राफ। अब हमने वहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस की थी, क्या हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए वही क्या करना है, हमें रेट लॉ में इस वाली रेट लॉ को यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे देखते हैं अभी, क्योंकि टी के लिए एट टाइम इक्वल्स टू टी हमें हाफ लाइफ निकालनी है, और हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन फॉल हो जाएगी हाफ पे, तो मतलब ए टी कितना हो जाएगा ए नॉट बाई टू, जैसे कि हमने वहाँ पे पुट करा था। बस अब कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको ज़रा कैलकुलेशन करें, के टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, ये कितना है 2.303 इंटू लॉग 10 ऑफ ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट बाई ए टी क्या होगा, 2 ए नॉट बाई ए टी, और ए टी कितना है ए नॉट बाई 2, तो 2 जाएगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा लॉग 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t हाफ लाइफ आएगी, इट इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। इट इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इसका मतलब क्या है, इसके पहले तो इसमें इससे दो मतलब निकलते हैं, पहला तो ये तो सीधा फॉर्मूले में दिख रहा है कि हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय k। यहाँ से अगर हम चाहें तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं हाफ लाइफ पता हो तो, या फिर हाफ लाइफ निकाल सकते हैं अगर रेट कांस्टेंट पता हो तो। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है इसमें, दूसरी चीज़ ये है कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि इसमें ए नॉट वाली टर्म कहीं भी नहीं आ रही है, जैसे कि हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ कितनी आती थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो आती थी ए नॉट बाय 2k। डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, इसकी हाफ लाइफ थी ए नॉट बाई 2k, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ए नॉट के, मतलब जितनी ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उसको हाफ में फॉल करने में उतना ही टाइम लगेगा फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें इनिशियली आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले लो, जितनी मर्जी ज़्यादा ले लो, जितनी मर्जी कम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ वही रहनी है,
जो डिपेंड करेगी सिर्फ रेट कॉन्स्टेंट। अब रेट